नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो हमारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा के तहत पेड़ पौधे का जो कार्यक्रम है वो पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, और लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी से कुछ खट्टे मीठे सवालों पर उनसे चर्चा करेंगे। वो चाहे पेड़ पौधों को लेकर लगाने के बाद उनकी रक्षा न करने के बारे में, या बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, या लाडवा में ऐसा क्या कारण वो मानते हैं कि उनकी हार वहां से हुई, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर पवन सैनी सर, सबसे पहले तो कैथल ब्रेकिंग टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मैं अपनी तरफ से नमस्कार बोलता हूं। सर, सबसे पहले तो आपको संयोजक बनाया गया है और मारा हरियाणा और हरा भरा हरियाणा के तहत अब तक क्या कुछ कर चुके हैं? देखिए माननीय प्रकाश धनखड़ जी, जो देश की नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत एक ईश्वरीय कार्य से की है, क्योंकि पेड़ पौधों का नाता व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक नाता है। और आज पर्यावरण का जो चैलेंज है ये केवल हरियाणा और हिंदुस्तान के नहीं पूरी विश्व के लिए है। जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ औद्योगिकरण हुआ है, पूरे वायुमंडल के अंदर पर्यावरण के अंदर जहरीली गैसें हैं और ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति को उसके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, चमड़ी की बीमारी है, जो है ना सांस की बीमारी है, तो आज वह वातावरण जो है पर्यावरण बड़ा प्रदूषित है। तो माननीय अध्यक्ष जी का, ओम प्रकाश जी का मैं आभारी हूँ जिन्होंने इस अपने कार्यकाल की शुरुआत पर्यावरण को लेकर के की है। पर्यावरण का नाम उन्होंने रखा मारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, और ये अभियान 3 अगस्त से शुरू किया जिस दिन रक्षाबंधन का दिन था, और 16 अगस्त तक चलेगा, जिस दिन मैं कह सकता हूँ दुनिया के लोकप्रिय तो व्यक्ति थे ही, लेकिन विपक्ष के भी लोकप्रिय नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पुण्यतिथि तक पूरे प्रदेश में 5 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, और जिस दिन शुरुआत थी उस दिन 31,000 पौधे लगा करके शुरुआत की थी। सर, एक और सवाल इसमें निकल के जो सामने आता है, पेड़ अभियान चलाए जाते हैं पेड़ पौधों को लेकर, अभियान को सफल बनाया गया ताबड़तोड़ के मुताबिक, अब जैसे 13 दिन का समय है और 5,11,000 पौधे लगाने हैं, पौधे तो लगा दिए जाते हैं, टारगेट भी अचीव कर लिया जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है, जिसके बाद जो लगाए गए पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं, इसको लेकर क्या किया गया है? देखिए इसी चीज़ की चिंता व्यक्त करते हुए ओम प्रकाश जी ने ये 3 अगस्त का दिन चुना है, वो रक्षाबंधन का दिन है। जैसे रक्षाबंधन के दिन हम कलाई पर रक्षासूत्र बांध करके उनकी सुरक्षा का जो है ना रक्षा का संकल्प अर्पण लेते हैं, इसलिए पौधे को भी रक्षासूत्र बांध करके उसकी रक्षा सुरक्षा का संकल्प लेना है, उसको बड़ा करना है, और पेड़ पौधे भी छायादार और फलदार पौधे लगाने का काम करें, इसलिए उसी चीज़ को ध्यान में रखते हैं। ये रक्षाबंधन जो है ना उस दिन 3 अगस्त था, उस दिन से इसकी शुरुआत की भी होगी। सर, अगर खट्टे मीठे सवालों की अगर हम बात करें, लाडवा में क्या मानते हैं हार का क्या कारण रहा? विकास भी किए हैं उसके बावजूद भी वहाँ से आप हारे हैं, क्या कारण मानते हैं वहाँ पर हारने का? देखिए लाडवा विधानसभा क्षेत्र को मैंने आदर्श बनाने का प्रयास किया और उसमें अभूतपूर्व विकास कार्य किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं कह सकता हूँ लाडवा की जनता के सम्मुख मेरी कोई एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं। जनता ने मुझे पहले 43,000 से कम वोट मुझे दिए थे, अब की बार 45,000 मेरी वोट बैंक, वोट बैंक मेरा कम नहीं हुआ, वोट बैंक मेरा बड़ा है, इसलिए हार जो है ये कह सकते हैं एक मैथमेटिकल जो है ना एक गणित है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसकी 40,000 वोट आई थी, वो 15 पे रहेगी, यानी कि सारा उसका वोट बैंक जो है ना मतलब वो दूसरी तरफ खिस गया, मेरे तो वोट पहले से ज़्यादा बढ़ी है, तो इस करके ये केमिकल में ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके कारण जो है ना फिगर अलग हो गए, नहीं तो सारे सर्वे सब जो है ना वो लाडवा सीट जो है ना भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल रहे थे, तो ये हार जीत इस प्रकार का ये चलती रहती है, लेकिन 45,000 पहले से भी ज़्यादा लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद प्यार दिया है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ अब भी, मुझे मेरी सक्रियता मेरे कार्यकाल से मतलब ये ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है। सर, एक चीज़ और, प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में आपका नाम था, मुख्यमंत्री के आप नज़दीकी भी गए गए हैं, लेकिन फिर दौड़ में नाम के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष की जो दौड़ थी अब वो ओपी धनखड़ जी आगे निकल गए हैं,
तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये संगठन, मैंने कहा ना, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो इसमें सभी लोग जो है प्रतिभावान थे, ऐसे नहीं भी कोई आदमी प्रतिभावान नहीं है। संगठन जो तय करता है वो सबको सर्वमान्य होता है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी के साथ मैंने कहा 35 वर्षों से उनके साथ काम किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी मेरे से ज्येष्ठ भी हैं और मैं श्रेष्ठ भी कह सकता हूँ, क्योंकि उनके बहुत बड़े राजनीतिक अनुभव उनको रहे हैं और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय स्तर तक जिम्मेदारी उनके पास रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिला के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, राष्ट्रीय सचिव रहे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नरेंद्र मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी उनका एक विजन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी विशाल प्रतिमा जो उन्हें नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में बनाने का, उसके वो राष्ट्रीय संयोजक थे। इसलिए ये संगठन तय करता है भाई इस समय क्या किसको जिम्मेदारी देनी नहीं देनी। जितने भी और नाम भी थे सब प्रतिभावान थे और संगठन का जो फैसला होता है वो सबका सर्वमान्य होता है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है। सर, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं 2019 में जो कद्दावर नेता थे वो हारे और उसके बाद उनको सम्मान देने के लिए बीजेपी की पहल तो नहीं कि उनको सम्मान देने के लिए पद ऐसे दिए जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब बताइए मुझे, कुमारी सैलजा कांग्रेस के अध्यक्ष है ना, वो सीटिंग है या डिफिटेड है? हारी है ना जी। बताइए अब, निशान सिंह जेजेपी के हैं अध्यक्ष, वो जीते हैं हारे हैं? कार्यकर्ता जब चलता है चुनावी राजनीति में, वो मैंने कहा ना मैथमेटिकली फिगर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसा कोई एडजस्टमेंट, लेकिन संगठन आगे बढ़ना चाहिए। फिर से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार तीसरी बार बने तो संगठन उस पर जो है ना, ये मैं कहता हूँ प्रयोगशाला है, जीवनी प्रयोगशाला है, संगठन ही प्रयोगशाला है। तो संगठन ने ओम प्रकाश धनखड़ जी को सोचा, इनको अध्यक्ष बनाएंगे, फिर से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बड़ौदा उपचुनाव की और बात कर लेते हैं सर। बड़ौदा जो गढ़ है वो जाट बहुल्य का जो गढ़ कहा गया है, वोट बैंक जो है जाट कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। कहीं बीजेपी ने ओपी धनखड़ जी को लेकर बात करें या जेपी दलाल को लेकर बात करें, गोत्रुप का इक्का तो नहीं खेला बड़ौदा के लिए? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, हमारी पार्टी कभी भी जो है ना जातिगत कोई ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाती और ना जाति के आधार पर कोई निर्णय लेती। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। जींद है, जींद में कौन सी जाति बहुल्य है बताइए? जाट है ना सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारा पंजाबी उम्मीदवार था वहाँ। हमारा नीलोखेड़ी में केवल 1000 वोट हैं कबीरपंथियों के, वहाँ भगवान दास कबीरपंथी वहाँ से विधायक बना नहीं बना। ये हमारी पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और सब समाज को साथ लेकर के, मैं बहुत से उदाहरण दे दूँगा आपको, सभी समाज को साथ लेकर के पार्टी चलती है। इसलिए हमारा ध्येय भी है पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तो इसलिए बड़ौदा जो उपचुनाव है वो पहले नहीं था, ना जिंद का उपचुनाव था जब सुभाष बराड़ा जी को बनाया। ये पार्टी सारे वर्गों को साथ लेकर चलती है। आप देखिए पिछड़ा वर्ग से रामचंद्र जांगड़ा जी को बनाया ना राज्यसभा से, SC समाज से दुष्यंत गौतम जी को बनाया है, पहले ब्राह्मण समाज से वत्स जी को बनाया है और वीरेंद्र सिंह जी को बनाया। तो सब समाज को साथ लेके संगठन चलता है, हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन हो राजनीति के अंदर, ये हमारी पार्टी का लक्ष्य रहता है। सर, वही हर एक वर्ग की आपकी पार्टी सोच रही है, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, वहीं पर नाराजगी भी आज साफ तौर पर देखी जा रही है। वो किसानों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, संगठनों की बात करें, तो इन नाराजगियों को लेकर बड़ौदा चुनाव में जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए ये दो विषय हैं, बड़ौदा का चुनाव और नाराजगी। मैं कह सकता हूँ ये केवल पिछली पार्टियाँ थी, वो नारे नारे देती थी, गरीबी हटाएंगे और किसान के लिए ये किएंगे। देखिए किसान कांग्रेस के नारे लगाती है, कांग्रेस साथ गरीब के साथ, अगर गरीब का वास्ते में भला किया, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का उसका जो हेल्थ जो है ना उसका सहारा है, उसका उसकी सपोर्ट है 5 लाख तक की, तो ये गरीब का पैसे वाला व्यक्ति अपनी एंजियोप्लास्टी नहीं करवा सकता, स्टंट नहीं डलवा सकता, गरीब व्यक्ति का जो बिल्कुल फ्री में उसके स्टंट डल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। लाखों लोगों का करोड़ों रुपए की आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको स्वास्थ्य लाभ मिला है। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल किसने शुरू की? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने की। अगर जहाँ किसानों की बात आती है, किसानों के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड,
तो कितनी भारी संख्या में वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की। किसान के लिए बिजली चाहिए, गांव में किसान वर्ग ज़्यादा रहता है, सब लोगों का प्लान शहर की तरफ हो गया था। आज गांव में बहुत अच्छे अच्छे मकान, लोगों का प्लान बंद हो गया क्योंकि गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमगांव, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू की, गांव में 24 घंटे बिजली। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ शहर में तो किसी कारण से कट लग सकता है, गाँव में कट नहीं है, आप इसका पता कर लेना। उसकी भावांतर भरपाई योजना चलाई, इसकी प्याज की और आलू की, टमाटर की, गोभी की। अब ये किसानों के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट है। MSP की अगर बात करोगे तो कितना MSP बाजरा कितना था पहले, कितना बड़ा है। अपने पिछला टेनर देख लेना, बाजरे की कहाँ MSP में खरीद होती थी, सरसों की कहाँ खरीद होती थी इतनी, सूरजमुखी की कहाँ खरीद होती थी। अब सरसों को 100% लिया, अगर मैं को 61 लाख क्विंटल सरसों की खरीद हरियाणा सरकार ने की, 30 लाख क्विंटल वो जो है ना बाजरे खरीद किए, 930 लाख क्विंटल MSP पे गेहूँ खरीद दिए, 569 लाख क्विंटल जो है ना धान खरीद दिए। और जो बरसाती जो मक्का भी बोया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कमिटमेंट है, हम जो है ना जो मक्के की फसल आएगी, एक एक दाना किसान का मक्के का दाना वो MSP पे हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। ये तो रही बात किसान हितैषी की, बात और बहुत से किसानों के लिए काम किए हैं बहुत। मैं कह नाराज क्यों है सर फिर? नहीं, केवल जो किसानों का नाम लेकर के राजनीति करते हैं, क्योंकि राजनीति बंद कर दी मनोहर लाल जी ने, मोदी जी ने बंद कर दी। कल 8.5 करोड़ किसानों के 17,000 करोड़ रुपए खाते में आए हैं कल, क्योंकि हमारे दाऊ जी जिनको बोलते हैं बलराम जी की, उनकी तिथि थी कल, उस अवसर पर 17,000 करोड़ 8.5 करोड़ किसानों के खाते में आए। किसने सोची भी नहीं है बात। ये केवल जो किसान नेता जिनकी राजनीति मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, मोदी जी ने बंद कर दी, केवल वो लोग हैं, उनका किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए किसान के हित के अंदर ये अध्यादेश लेकर गए। किसान बाहर अगर फसल बेचता था, मार्केट कमेटी के लोग उनके ऊपर शिकंजा कसते थे, व्यापारी के ऊपर शिकंजा कसते थे, तो वो बंद कर दिया। अभी किसान अपनी मर्जी से कहीं भी फसल बेच सकता है, अपने राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी। तो किसान को तो बिल्कुल फ्री कर दिया, अपनी फसल जहाँ मर्जी बेचे। आप देखना ना, शामगढ़ में खरबूजे बिक रहे हैं, दुजाना में जाके देखो ना प्याज बिक रहा है। तो ऐसे किसान अपनी फसल कहीं भी जो ना स्टाल लगा करके बेच सकता है, ये किसान को फ्री हैंड कर दिया। तो क्या मानते हैं सर बरुद्धों को फिर जीत कितने एक परसेंटेज क्लियर मानते हैं? देखिए ऐसा मोहन जी, जींद का उपचुनाव हुआ, इनेलो ने कहा हमारी सीट है, हम जीतेंगे, कांग्रेस ने कहा हम जीत ही रहे हैं, सबकी जमानत जब हुई है वहाँ सबकी, बताइए मैं आपके सामने है। रही बात है उसके, उससे पहले मेयर के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव 5.5 करोड़ 10 की 10 लोकसभा चुनाव हम जीते। हुड्डा और हुड्डे का बेटा दोनों को दोनों हिसार से सोनीपत से और रोहतक से दोनों जगह से हारे हैं। रही बात है बड़ौदा की सीट पिछले कितने वर्षों से कांग्रेस के पास है, उनके पास तो खोने के लिए है, लेकिन BJP तो पहली बार मान ले जैसे आप बता रहे हो भी चुनौती है हमारे लिए तो पाने के लिए है। हम लोग तो जीतेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ की जनता सरकार के 4 साल इस कार्यकाल के पड़े हैं और विकास कार्यों के नाम पर जो है ना केवल राजनीति करते थे हुड्डा साहब। और वास्तव में जो विकास है मनोहर लाल जी की सरकार, मनोहर लाल जी खुद कहा कृष्ण जी नहीं रहे तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र की। अभी 2 कॉलेज बड़ौदा को दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और डेवलपमेंट के मामले में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मैं भी चक्कर मार के आया हूँ बड़ौदा के अंदर, और उसके लिए वहाँ के लोग चाह रहे हैं हम सरकार के साथ जाएंगे। तो क्या मानते हैं कि हुड्डा का गढ़ सोनीपत का जो एरिया है बड़ौदा की बात करें तो क्या BJP भेद पाएगी? भाई देखो, गढ़ तो रोहतक भी था ना, कहाँ है रोहतक? गढ़ तो ये जींद भी मानते थे, तो गढ़ किसी के नहीं है, ये तो जो है ना हिंदुस्तान की हरियाणा की जनता है, ये तो अरसे फरसे अरस भी कर देती है, और गढ़ किसी का कोई नहीं है। रोहतक से जो है ना दीपेंद्र को हराया, सोनीपत से हुड्डा को हराया, 10 के 10 जीते हैं ना जीते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ BJP के लिए पाने के लिए है सब कुछ, और कांग्रेस के पास खोने के लिए है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी, जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की और बताया कि हमारे पास तो पाने के लिए है और कांग्रेस पास सिर्फ खोने के लिए है। अब देखना यह कि बड़ौदा उपचुनाव पर कौन तो बाजी मारता है और कौन वहाँ से सिर पर ताज लेकर
निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तमाम विषयों पर हमने बातचीत की पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी से। आप देखते रहिए कैमरामैन विश्व नायक के साथ, कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।